यूजफुल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने ये बता दिया कि ये मैंने बता दिया था कि गैल्वेनोमीटर को ऐसे कुछ शो किया जाएगा, इस बॉक्स के अंदर जो है वो मैंने आपको दिखा दिया था, ऐसे शो किया जाएगा। इसकी कुछ एक आईजी होता है, आईजी को क्या बोलते हैं, आईजी को क्या बोलते हैं, सर डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फुल करंट। स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आईजी इज कॉल्ड एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आईजी, और इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। तो जो कैपिटल जी है, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऑफ गैल्वेनो गैल्वेनोमीटर, या गैल्वेनोमीटर को क्वायल भी कहते हैं, सिंपल क्वायल। तो कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में सिर्फ लिखा रहेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल, उसका मतलब भी है कि गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है, कॉयल मतलब वही है, क्योंकि कॉयल होते हैं ना उसमें। ये दो बातें आपको किसी भी, अगर गैल्वेनोमीटर को खरीद कर लाओगे मार्केट से, तो उसके डिब्बे पर दो बातें लिखी होंगी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू कितनी है और उसका रेजिस्टेंस कितना है पूरे इंस्ट्रूमेंट का, दो बातें लिखी होंगी। आईजी का मतलब आईजी कम होना चाहिए सेंसिटिव के लिए कि ज्यादा होना चाहिए, आईजी की वैल्यू कम होनी चाहिए कि ज्यादा कम होनी कम चाहिए, सर कम। कम होनी चाहिए। कम अगर वैल्यू है आईजी तो सेंसिटिव है, मतलब मिली एम्पियर, टिपिकली जो उसकी वैल्यू होती है कि मिली एम्पियर्स में होती है, आईजी मिली एम्पियर्स में होती है, टिपिकल वैल्यू जो होती है, मतलब कुछ मिली एम्पियर अगर इसमें करंट दिया जाए तो उसका जो निडिल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है पूरा। जैसे मान लो, सुन लो ध्यान से, मान लो किसी गैल्वेनोमीटर की जो फुल स्क्रीन डिफ्लेक्शन वैल्यू है वो अगर मान लो है 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, इसका मतलब ये है कि जब इसमें 10 मिली एम्पियर करंट दी जाएगी तो उसकी निडिल पूरी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर इसमें 15 मिली एम्पियर जाएगी तब भी तो 10 बताएगा, ये नहीं समझे। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पूरा पूरा डिफ्लेक्ट होकर के 10 मिली एम्पियर बता रहा है, अब इसके बाद वो जा ही नहीं सकता, तो अगर उसमें 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट दोगे तब भी तो वो तो टेन ही बताएगा ही बताएगा, नहीं, नहीं बताएगा सर, वही कह रहा था कल, समझिए। नहीं समझे मेरी बात। ये सारे बच्चे जल्दी रिस्पॉन्ड करो, सारे बच्चे जल्दी समझ गए बात सर। यस समझे। सर, सम यस सर। अगर अगर सारी निडल वो डिफ्लेक्ट करके 10 मिली एम्पियर पर डिफ्लेक्ट कर गई तो 20 दोगे तब भी 10 बताएगा, 30 दोगे तब भी 10 बताएगा, तो एरर होना शुरू हो जाएगा ना। तो अगर किसी गैल्वेनोमीटर की जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू है उससे ज्यादा करंट को मेजर करना है तो हमें इसके सर्किट को चेंज करना होगा। तो टू इंक्रीज द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर वी हैव टू चेंज द इलेक्ट्रिकल सर्किट इनसाइड द बॉक्स। दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। सो लेट अस कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू हाई रेंज इंस्ट्रूमेंट। दिस हाई रेंज रेंज करंट कैरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज अमीटर। ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर, तो चलो किसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो हेडिंग इज कन्वर्जन, लिखना शुरू करो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, लिख लिया। ये हमारा हेडिंग है, सो दिस इज द हेडिंग, है ना। अरे बोलो, अब यस इसमें सर। क्या काम करना है। अब बहुत देखो, लॉजिक अगर एक बार समझ जाओगे, अगर लॉजिक समझ में आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं तो इसके क्वेश्चन जरूर गलत हो जाएंगे। तो लॉजिक समझना है ना, फिजिक्स पूरा लॉजिक का गेम है, लॉजिक समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें इसका रेजिस्टेंस कैपिटल जी है और इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू गिवन है आईजी, ये गिवन है। अब मुझसे कहा गया कि नहीं, मुझे एक एक तार है
इस तार में करंट आई फ्लो कर रहा, आई इसको अगर मैं इसको इसके थ्रू अगर करंट करा दूंगा, मान लो इस ब्रांच में करंट आई फ्लो कर रही है, और मान लो आई ग्रेटर देन आई जी है, लेस देन आई जी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको हम जोड़ देंगे तो इसका डिफ्लेक्शन आई जी ही तो बताएगा। यस सर। तो यहां से जो एडिशनल करंट है, जो आई जी से ज्यादा करंट है, उस करंट को अगर हम इसमें भेजेंगे तो एरर आ जाएगा। बोलो। यस सर। तो एक काम करना होगा, आई इस आई से जो ज्यादा करंट है उसको मैं बाईपास करा दूंगा, क्योंकि उसी से एरर है ना। देखो बात समझना। तो इसमें क्या करेंगे कि इसके पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगा देंगे, इसको शंटिंग कहते हैं, एस से लिखते हैं, शंट रेजिस्टेंस, इसका नाम है शंट, अंडर शंट है ना, रेजिस्टेंस शंटिंग कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस। बाईपास को शंटिंग कहते हैं, जो हार्ट बाईपास सर्जरी होती है उसमें भी हम ये कहते हैं, रेलवे ट्रैक्स पर जो मेन ट्रैक है रेलवे का, उसको बाईपास करके अगर जाता है तो शंटिंग कहते हैं। शंटिंग मीन्स कि जो आम रास्ता है उससे अलग एक रास्ता प्रोवाइड करने को शंटिंग कहते हैं। तो ये है ऐसा कुछ, तो ये शंटिंग है, तो ये जी है। अब इसमें हम ये चाहते हैं कि इसमें आईडी से ज्यादा करंट नहीं जानी चाहिए, तो एरर आ जाएगा ना। यस सर। इसमें आईडी से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो इसमें मैक्सिमम आईडी आईडी जा सकती है, तो बाकी आई माइनस आईडी इधर से चली जाए। अरे अरे भाई, आई करंट से ज्यादा अगर ऊपर जाएगा तो उसमें एरर है। तो हम ये चाहते हैं कि अब देखो, अगर आई करंट इसमें हम एंटर कराएं, तो इसमें जब इसमें आई जी से ज्यादा ना जाए मैक्सिमम, मतलब जब आई करंट यहां से आए तो इस ब्रांच में आई जी जाए और बाकी बची हुई करंट इधर से निकल आए, ऐसा हम चाहते हैं। अब बात समझना। तो ये बताओ, अब अगर मैं इस पूरे को बॉक्स में बंद कर दूं, अगर मैं इस पूरे जो मैंने अंदर इस अंदर सर्किट में जो चेंज किया, इस सर्किट को अंदर चेंज करके बॉक्स में बंद कर दूं, बात समझना, मुझे कौन बताएगा? इसको बॉक्स में अगर मैं बंद कर दूं, तो इस बॉक्स की फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी हुई? आई आई हो गई। बहुत बढ़िया। अब आई अब आई जाने पर ये डिफ्लेक्ट होता है ना, बढ़ गया ना, अब तो रेंज देखो बढ़ गया, बस हो गया काम। नहीं समझे मेरी बात? अरे अब आई जाने पर इसमें फुल डिफ्लेक्शन करंट हो रहे हैं, क्योंकि आई जब जाता है तो तब इसमें आई जी जाता है और बाकी इधर चला जाता है। तो इसको अगर मैं बॉक्स में बंद कर दूं, तो इस बॉक्स को अमीटर कहते हैं। अमीटर बन गया, ये हो गया कन्वर्जन, हो गया। दिस बॉक्स इज कॉल्ड एज अमीटर। सर तो लेकिन आई कितना है वो पता कैसे करेंगे? अभी भी पता कर रहे हैं, अभी हम निकाल लेंगे ना यहां से। अभी पहले ये देखो कि आई आने पर डिफ्लेक्शन होगा। अब मैं इसमें देखो, ये बताओ बच्चों कि इस ऊपर वाली ब्रांच में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V बराबर होता है आई आर। तो ये इस ऊपर वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस G है और इसमें करंट आई जी है, तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई जी जी। बोलो। और ये वाला पॉइंट यहां लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट यहां लिख सकते हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये वाला इसके बीच में कुछ आया नहीं, ना सेल आया, ना कोई रेजिस्टेंस आया, तो जो पोटेंशियल यहां वही पोटेंशियल यहां, जो पोटेंशियल यहां वही पोटेंशियल यहां। तो इसमें कितनी करंट आ रही है? आई माइनस आई जी इंटू एस। तो आई माइनस आई जी इंटू एस, तो ये बराबर होना चाहिए आई माइनस आई जी इंटू एस। बोलो। यस सर। तो यहां से देखो, हमारी एस की वैल्यू क्या आ गई? आई जी जी ओवर आई माइनस आई जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मतलब अब हम अगर एस, अगर जो 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 हमारा गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में अगर शंटिंग करें एस रेजिस्टेंस से, तो आई करंट जब एंटर करेगा तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा। तो सर ये लो रेजिस्टेंस क्यों होता है? इसको मतलब जो शंट होता है वो लो रेजिस्टेंस क्यों होता है? अरे लोअर नहीं होगा तो ज्यादा करंट इधर से जानी है ना, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ से जाती है। तो अगर मान लो 10 एम्पियर करंट आई और यहाँ 10 मिली एम्पियर जाना है, तो ज्यादा करंट यहाँ से बाईपास हो ना। यस सर। तो ज्यादा करंट जिस ब्रांच से जाती है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होगा,
अगर मैं यहाँ करंट आई यहाँ से दो सर रास्ते, मतलब इस एस का जो रेजिस्टेंस होगा वो जी से कम होगा, ट्रैवल बहुत कम होगा, इंडिकेटर बहुत से। अच्छा बहुत कम होगा, एस इज वेरी वेरी लेस देन, क्योंकि बात समझो यहां से एग्जांपल में अगर 10 एम्पियर आ रही है तो 10 में 10 मिली एम्पियर करंट इधर जाएगी, बाकी बहुत सारी करंट तो इधर से जानी है ना, यस सर, तो इधर से ज्यादा करंट जानी है तो उसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, बात समझे कि नहीं। तो यस सर, क्वेश्चन आता है कि अगर हमें क्वेश्चन ये आएगा कि आपको आईजी की वैल्यू गिवन होगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर ये गिवन होगा, और उसका रेजिस्टेंस गिवन होगा कैपिटल जी, फिर पूछेंगे कि अगर इस गैल्वेनोमीटर की करंट की वैल्यू को हमें बढ़ाना है, मतलब रेंज बढ़ाना है, आई तक ले जाना है, तो शंटिंग में शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू आईजी गिवन होगा, कैपिटल जी गिवन होगा, आई बताएंगे, आईजी गिवन होगा, इसमें रख दोगे, तो अगर उस बॉक्स को खोल करके जो गैल्वेनोमीटर मार्केट से लाओगे, अगर तुम इसको 20 एम्पियर तक का बनाना है तो 20 एम्पियर तक, 20 यहाँ 20 यहाँ रखोगे, आईजी उस बॉक्स पर लिखा होगा, कैपिटल जी बॉक्स पर लिखा होगा, यहां से एस निकल के आ जाएगा, और ये एस उतना मार्केट से खरीद लाओ और उसको यहां पर बॉक्स के अंदर, उस गैल्वेनोमीटर के अंदर उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, बस वो 20 एम्पियर तक मेजर करने वाला एमीटर बन गया, कोई डाउट? नो सर, नो यही सर, बात, यही बात तुम अगर नाजा मार्केट में कराने जाओगे तो तुम्हें सिर्फ 2,000 रुपये लेगा, नहीं समझे, और समझ हो नहीं सकता है सर। वो कैलकुलेट ना करे कुछ, मैं इतना कहाँ कैलकुलेशन कर पाएंगे, नाजा मार्क इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो तो कैलकुलेशन थोड़े करेंगे, वो कहेंगे एक कम रेजिस्टेंस लगा दो कोई, तो एरर रहेगा उसमें, और हम लोग इसको सही से कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू हाई वैल्यू मेजरिंग डिवाइस कॉल्ड एज अमीटर। एनी डाउट? नो सर, नो सर, लिख लो बच्चों। तो सर यानी कि इस लो रेजिस्टेंस को मतलब निकालने के लिए हमें पहले एक बार एक नॉन करंट फ्लो कराना पड़ेगा। क्या हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू जानने के लिए एक बार एक नॉन करंट फ्लो कराना पड़ेगा इसमें से। ये नहीं, जो रेजिस्टेंस होगा एस जो होगा, एस जानने के लिए एक बार इसमें नॉन करंट फ्लो कराना पड़ेगा। नहीं, वो तो आईजी लिखा होगा बॉक्स पर, तुम्हें तो फ्लो यस कराने सर, जरूरत, आईजी तो बॉक्स पे लिखा है ना। और तुम यस सर, जैसे कोई आया मेरे पास, उसने कहा भाई सर इसमें ये जो है गैल्वेनोमीटर अमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा कितने रेंज का, नहीं समझे मेरी यस बात, सर, समझ गया। तो मुझसे कहेगा कि भाई 50 एम्पियर तक का, तो मैं आई की जगह 50 रखूंगा, 50 रखूंगा। आईजी और कैपिटल जी तो उस बॉक्स पर लिखा है जो गैल्वेनोमीटर लेकर आया है ना, उस पर लिखा है, ओके सर, तो फिर बस पता चल जाएगा वहां से रेजिस्टेंस। मैं पता कर लूंगा एस, और वो मार्केट से खरीद करके जोड़ दूंगा, 2 मिनट का काम है, 2,000 रुपए का काम। 2,000 रुपये का? अरे अगर तुम कभी कभी भी अगर तुम इलेक्ट्रिशियन के यहाँ जाओगे, कोई भी चीज खराब हो जाती है तो कहते हैं रख जाओ कल आना, क्योंकि उसमें यस कुछ सर, काम होता ही नहीं है, तुम्हारे सामने करेंगे तो तुम कहोगे कि अरे इसमें कोई काम ही नहीं था, तो कहते हैं कल आना भाई, इसमें बहुत चीजें काम करना है, कल बल थोड़े आना होता है, जैसे ऐसा करेंगे बस एक तार ऐसे लगा देंगे बस काम हो जाएगा, कहेंगे ये तो बड़ा गड़बड़ है नया खरीदना पड़ेगा, तो नया आता है मान लो 11,000 रुपए का, तो तुम कहोगे चलो 2-3 हजार में बन जाए तो ठीक है। इसमें कुछ होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कोई भी सामान खराब कभी होता ही नहीं है, उसमें तार खाली चेंज करना होगा और कुछ होता ही नहीं उसमें, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में। वो सर हम लोगों को अरे पता नहीं होता है कौन सा कब खराब हाँ, है। हम लोग को पता है तब भी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास टूल्स नहीं है, हो सकता है उसके उसकी स्क्रू को खोलने वाला हमारे पास स्क्रू ड्राइवर ड्राइवर ही ना हो, और सब कुछ हो, वो इतना पतला स्क्रू होगा कि स्क्रू यस ड्राइवर सर, ही नहीं होता है, हमारे पास टूल्स नहीं होते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होती। उस स्क्रू ड्राइवर की कीमत 10 रुपए है, उसके लिए 2,000 रुपए देना पड़ता यस सर, स्क्रू ड्राइवर हम लोग नहीं होता तो पूरा। है। हाँ भाई, कभी चम्मच से लगाते हैं, कभी इससे खोलने की बहुत कोशिश की जाती है, यस सर, चाकू से खोलते हैं, चाकू की नोक पतली होती है, लेकिन वो खुलता नहीं है, बस वो इसलिए वो टूल्स की कीमत है एक्चुअली, टूल्स की, और बाकी कोई कीमत नहीं है। तो देखो, तो ये बात समझ में आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया सर। अब इस पर एक क्वेश्चन अगर चाहो तो तुरंत क्वेश्चन कर लो, तो इसमें अंदाजा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और भी नोट कर लो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई ये इस बॉक्स के अंदर जो बन गया वो एमीटर है,
अगर तुमसे कोई पूछता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या होगा तो क्या बताओगे? जी और एस पैरेलल में है तो क्या होगा? यस सर, एस इंटू इनटू जी जी अपॉन जी ओवर प्लस एस। एस प्लस जी ना। यस सर, अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात यह होती है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो छोटे वाले से भी छोटा होता है। ये जानते हो कि नहीं? कोई जो मैं बात कह रहा हूं समझ पा रहे हो? समझ गए सर। जैसे ये देखो, जैसे मान लो अपने पास मान लो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 18/8, 18/9, टू 6 × 3 / 6 + 3 टू टू आया। यस सर। तो हमेशा ध्यान रखो, दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट जो होगा वो उन दोनों में छोटे वाले से भी छोटा होगा। ओके सर, नहीं समझे मेरी बात? समझ समझ गए गए अब सर, समझ गए सर। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में, नीट में, जेई मेन में, एडवांस में, स्टेटमेंट के फॉर्म में ये पूरी कहानी लिखी होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे लिखा होगा कि द गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। सही ऑप्शन, सही ऑप्शन ना। यस फिर सर, लिखा होगा, मोर देन वन चॉइस करेक्ट अगर है, फिर लिखा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ शंट, करेक्ट है। ये भी करेक्ट है। फिर लिखा होगा कि फॉर आइडियल अमीटर रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर शुड बी जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आइडियल अमीटर अगर कहीं लिखा आइडियल अमीटर, तो आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल एमिटर, आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस टेंड्स टू बहुत कम होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ज्यादा से ज्यादा करंट जाए रेजिस्टर से। हाँ, सर, ताकि इसका जो रीडिंग जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सर, क्या बताओ, फिर से बताओ। ताकि एमीटर की जो रेंज हो वो ज़्यादा बढ़ जाए। और नहीं, और सोचो, और सोचो, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात, और सर, सोचो। ताकि करंट जो वो उस रेजिस्टर से ज्यादा जाए, शंट करंट रेजिस्टर से जो हो वो उस रेजिस्टेंस से, ज्यादा जाए। अगर सब अगर कम रेजिस्टेंस होगी तो उसमें से करंट ज्यादा जाएगा। कम रेजिस्टेंस होगी तो करंट ज्यादा जाएगा। हाँ, ये इसका उल्टा अगर कह दो तो ज्यादा सही है। इसका उल्टा कहो तो क्या बोलोगे जानवी? ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो कम तो कम करंट करंट जाएगा, जाए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, देखो बात समझो सर, अगर नाउ। आर टेंड्स टू 0 हुआ तो फिर एस प्लस जी टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। अरे नहीं, एस 0 भी तो हो सकता है। अरे ऊपर न्यूमरेटर में 0 करो ना, ज्यादा क्यों करो डिनोमिनेटर में? हाँ सर, ये भी कर सकते हैं। बात समझो, जैसे मान लो ये एक बल्ब लगा हुआ है सर्किट में, मान लो ये बल्ब है और ये एक बैटरी लगी हुई है, इसे ये बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है मान लो, और ये बल्ब है 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट पर चलता है, बताया था ना मैंने ये, तो 220 वोल्ट ही करते मान लो। अरे समझे कि नहीं? अब मान लो समझ मुझसे गया कोई कहता है, मान लो मुझसे कोई कहता है कि इस ब्रांच में जो करंट है उसको मेजर करो, तो मैं क्या करूंगा, इस तार को काटना पड़ेगा तुम्हें, यहां से तार काट करके अमीटर लगाना पड़ेगा, ऐसे जो अमीटर हम लोगों ने बनाया है। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर।
अरे बोलो बच्चों, यही तभी तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा भाई। यहाँ निडल एक लगी है, ये डिफ्लेक्ट करेगी जब करंट आएगा तो, ठीक है ना ये। यस सर, यस सर, तो अब अच्छा, इस सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, जैसे जब ये एमीटर नहीं लगा था तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रहा होगा। मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस अगर निकाल सकते तो रेजिस्टेंस निकल आएगा 484 आएगा शायद, वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर बाई पी, इसका रेजिस्टेंस आएगा 484। अगर 100 वॉट का बल्ब है तो उसका उसके अंदर जो फिलामेंट लगा है उसका रेजिस्टेंस 484 होगा। तो जब ये एमीटर नहीं लगा था तो इस सर्किट पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना था, 484 था कि नहीं? यस सर, और जब ये एमीटर लगा देंगे, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस आर नॉट से ज्यादा हो जाएगा पूरे सर्किट का। यस सर, तब जो करंट हमें मेजर करनी थी वो पहले से ही कम हो जाएगी ना। नहीं समझे मेरी बात? यस सर, समझ नो सर, बोल दी। जो मेजरिंग डिवाइस है उस, वो डिवाइस करंट को गड़बड़ कर दे रही है ना, पहले से ही करंट को उसने डिस्टर्ब कर दिया भाई। जिसको मेजर करना था उसी को उसने डिस्टर्ब कर दिया। नहीं समझे मेरी बात? अगर मैं ये चाहता हूं कि इसके लगाने के बाद भी जो जो करंट हमें मेजर करना था वो गड़बड़ ना हो तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कम, जीरो होनी चाहिए आईडीबी। यस सर, हालांकि ऐसा हो नहीं पाएगा। इसका मतलब कोई भी मेजरमेंट, कोई भी टेस्ट कभी सही नहीं हो सकता, कभी भी सही नहीं हो सकता, चाहे वो कोविड का ही हो। नहीं समझे मेरी बात? कोई भी टेस्टिंग जो किट होती है, टेस्टिंग किट जिसको टेस्ट करना है उसको इफेक्ट कर देता यस सर, है। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। इसमें कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको बार बार ऑक्सीमीटर की रीडिंग 2-2 घंटे पर देनी होती, पता है कि नहीं तुम लोगों को? नहीं सर, जी सर, ऑक्सीजन समझे। लेवल लेवल मेजर करने को कहा जाता है। तो वो ऑक्सीमीटर जैसे यहां लगाते हो वैसे उसमें पहले तो फ्लक्चुएट करता है, मान लो 94-90 आने लगा। जैसे 90 पेशेंट देखते हैं, क्योंकि ये बताया गया है कि 94 से नीचे नहीं आना चाहिए, तो जैसे उसमें बाई मिस्टेक ही मान लो 90 दिख गया तो वैसे ही ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाता है बॉडी में, इतना फियर आ जाता है। समझे मेरी बात? और वो फिर बढ़ता ही नहीं है, फिर वो नहीं बढ़ेगा, हॉस्पिटल में ही बढ़ेगा, फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाने पर ही बढ़ेगा अगर फियर हो गया बॉडी में। तो बाई मिस्टेक भी अगर वो 90 हो गया है ना, यस तो सर, हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा तुम्हें। 98, जैसे मेरा 97 से नीचे नहीं गया कभी, क्योंकि तो मैं देखता ही नहीं। जब उसको लगा देता था तो ऐसे आंख बंद करके लगाता था और काफी देर के बाद जब वो स्टेबल होता था तब देखता था। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर, अगर वो रीडिंग करते समय मैं देख लूंगा तो पक्का है रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी। हाँ वो फ्लक्चुएट करेगा वो तो। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ तो करंट लेगा ही। जैसे मान लो किसी के बॉडी में कितना ब्लड है ये पता करना है, किसी आर्टरी में कितना ब्लड फ्लो कर रहा है पता करना है, तो उस ब्लड में हम सिरिंज लगाएंगे तो सिरिंज भी तो कुछ ना कुछ करंट तो वो ले, कुछ ना कुछ ब्लड तो वो ले लेगा ना। तो बिना ब्लड लिए वो मेजर नहीं कर पाएगा, तो उसने जो मेजर करना था उसी में से कुछ चोरी कर लिया। नहीं समझे? अब तो बात समझ में आ गई होगी इतने डिस्कशन के बाद, कि ये जो अमीटर है ना, ये अमीटर आइडियली, आइडियल अमीटर का मतलब होता है जिसका रेजिस्टेंस, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आइडियल अमीटर है, आइडियल अमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। ये आइडियल बात ही है, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। नहीं समझे मेरी बात? ये आइडियल यस बात ही, प्रैक्टिकली कोई भी एमीटर उसका रेजिस्टेंस कम हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता नहीं है। हो सकता, तो जितने भी प्रैक्टिकल एमीटर्स मार्केट में मिलते हैं उनका रेजिस्टेंस माइक्रो ओम में होता होगा, नैनो ओम में होता होगा, लेकिन जीरो नहीं होता होगा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर, बहुत बढ़िया। तो ये पूरी कहानी है, ये जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है ये एडवांस में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल वगैरह तो जेईई मेन और नीट में पूछा जाता है,
लेकिन जो पूरी जो स्पिरिट है किसी भी कंसेप्ट की वो एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है। एडवांस में बिल्कुल कंसेप्चुअल बात पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कितना होता है, ये जेई मेन में पूछते हैं। इसीलिए ज्यादातर जो एनआईटीज के बच्चे हैं वो नौकरी करते हैं और आईआईटीज के बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्यों होता है और ज्यादा जैसे कंपटीशन टफ नहीं है तो वो जानते हैं कितना होता है। देखो ध्यान से, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, द स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ गैल्वेनोमीटर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड द अमीटर दस फॉर्म्ड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द ब्रांच सीरीज इन द ब्रांच इन विच करंट इज टू बी मेजर्ड। ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा, घबराना नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है। बात समझो, जरा पढ़ो और समझो बात को। क्या बात समझ में आई सबको? यस सर। क्या इसका मतलब क्या हुआ? जो अभी तक की पूरी कहानी है, जब हम अमीटर बना बोले, अमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस कहाँ लगाते हैं? अमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस हमारा जो होता है वो पैरेलल में लगता है गैल्वेनोमीटर के, लेकिन जब अमीटर बन जाता है तो पूरा अमीटर जो होता है जिस ब्रांच में हमें करंट मेजर करनी है उसके सीरीज में लगाते हैं। मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे कंपटीशन हो या बोर्ड का हो, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोई डाउट किसी को? एनी डाउट नो सर। नो स्टेटमेंट में? कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो सारे बच्चे। सर। तो नो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है ये। सबके पास मॉड्यूल है अपना? मॉड्यूल है सबके पास? एक मिनट सर। यस सर। मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 का सेक्शन एफ, F1 मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 सेक्शन एफ, F1 क्वेश्चन नंबर F1। सर यस मेरे सर। पास नहीं है। पेज नंबर 3। मिला? यस सर। किस पेज पर है? पेज नंबर 3 सर। सर मेरे पेज पास नहीं है सर। सर किसके पास नहीं है? मेरे पास भी प्रश्न है। ग्रुप स्क्रीन पर है शेयर कर दूँ वैसे, क्या? और जानकी ग्रुप पर है, स्क्रीन शेयर कर दूँ क्या सर? ग्रुप पर देखो एक बार, शेयर कर दो अगर किसी के पास हो अभी फिर से। मैं शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन देखते हैं।
ग्रुप में शेयर करो और पेज नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ। पेज नंबर 33 और वही F1 लिखा है। मिल गया सबको? सर बस सेंड कर। F1 भेज दिया। F1 पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैंने पढ़ना शुरू किया, देखो सारे बच्चे पढ़ना मैंने शुरू किया, जो इंफॉर्मेशन होगी उसको मैं लिखूंगा। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। तो क्या दिया है 30 ओम? कैपिटल जी 30 ओम। एंड ए करंट ऑफ 2 mA इज नीडेड टू गिव अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। 2 mA क्या है? IG 2 mA ये गिवन है। हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज द रेजिस्टेंस नीडेड एंड हाउ इज इट टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। एमीटर करना है जिसका रेंज कितना हो, 0.3, तो I इज इक्वल टू 0.3 A। हमें S निकालना है, बस क्वेश्चन हो गया। रुड़की एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, रुड़की एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। S कितना था? IG। रुड़की एंट्रेंस एग्जाम मतलब कौन सा रुड़की? ओवर I माइनस IG, सो दिस इज इक्वल टू IG इज 2 mA, तो 10^-3 इंटू G इज 30 डिवाइडेड बाई 0.3 माइनस 2 mA। 2 mA मीन्स 0.003, सो दिस इज इक्वल टू कितना, 60 हो गया। तो 6 × 10^-2, और इसको लगभग हम बहुत IG 0.002 है। हाँ 0.002। अच्छा 0.002। देखो इसको तो नेगलेक्ट ही करना पड़ेगा तुम्हें, 0.3 में से घटाओगे तो बहुत कोई मतलब 0.3 ही लगभग रहेगा ना। यस yes, सर। तो लगभग मैंने लगभग कैलकुलेट कर देना, इसको घटाने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10^-2 क्या? जी सर। तो 20 mA। देखो जरा आंसर चेक करो, जरा किसी के पास आंसर जल्दी चेक करो, लास्ट में देखो क्या आ रहा आंसर, जल्दी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। शाश्वत, समर, श्लोक, आदर्श, इसमें से कोई बोले? समर? हाँ सर। ये समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। उसकी आंसर कितना आ रहा है, किसी ने चेक किया? लास्ट में दिया होगा, सबसे लास्ट में नहीं मिला। एक्सरसाइज 1 का F1 इसमें लगभग, इसमें कैलकुलेट किया है पूरा, तो 0.2013 है। मतलब जैसे मैंने लगभग निकाला है उसमें 0.2013 है। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे इसका? आंसर लिखोगे कि अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 mA इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गिवन गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू द एमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज। ठीक है ना, बताओ बच्चों। जी सर सही है। ठीक है ना। yes, तो आगे देखते हैं, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट पॉइंट, सर दूसरा हाँ। कैसे किया था एक बार बता दीजिए। दूसरे पार्ट के लिए तो पढ़ने जा रहे हैं ना हम लोग।
हेडिंग है? कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ अ ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। देखो अभी तक हमने क्या आपको बताया है कि अपने पास एक डिब्बा है, मार्केट से खरीद कर लाए हैं, उसमें कैपिटल जी लिखा हुआ है और उसमें आई जी लिखा हुआ है। तो ये बताओ कि आई जी और जी को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वोल्टेज आएगा ना। यस सर, तो ये एक वोल्ट मीटर भी है जिसका रेंज कितना है? आई जी जी। नहीं समझे मेरी बात? जैसे V बराबर आई आर होता है, और ये होता है कि नहीं? तो ये जो वोल्ट मीटर है, ये जो वो ये अगर जो गैल्वेनोमीटर है, ये एक वोल्ट मीटर की तरह भी काम करेगा, जिस जो कितना मेजर कर सकता है भाई, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू कैपिटल जी, इन दोनों गुणा कर दो तो जो आएगा है ना, जो आ जाएगा उसके बराबर का ये वोल्टेज मेजर कर सकता है। जैसे मान लो ये लेकर आए हम, और ये लेकर आए, जैसे अभी जो क्वेश्चन किया है उसमें आईजी कितना था? 2 मिली एम्पियर था, और जी कितना था? जी जी था 30 ओम। अरे बोलो। यस सर, जी सर, तो 30 ओम था, इसको अगर हम गुणा कर दें तो कितना आएगा? 60 मिली वोल्ट ना। यस सर, तो 0.06, क्या 0.06 वोल्ट आ गया कि नहीं? यस, इसका मतलब एक मार्केट से अगर खरीद कर लाते हैं जिसका आईजी 2 मिली एम्पियर हो और उसे कैपिटल जी 30 ओम हो, वो 0.06 के वोल्टेज को मेजर कर सकता है मैक्सिमम। इससे ज्यादा अगर वोल्टेज मेजर कराओगे तो वो 0.06 ही बताएगा ना, यस सर, यस सर, इससे ज्यादा बताएगा ही नहीं वो। इससे कम तो बता सकता है, 0.04 बता सकता है, 0.03 बता सकता है, वो डिफ्लेक्शन पूरा नहीं होगा, आधा हो जाएगा, तो वो कम बता सकता है। लेकिन ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, ये बहुत शॉर्ट रेंज इंस्ट्रूमेंट है। अगर इसको इसको ही ज्यादा कर दोगे तो इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। नहीं समझे मेरी बात? समझिए सर, तो समझ। अब हमें इसके वोल्टेज को बढ़ाना है, तो वोल्टेज इसकी रेंज को बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर है वही, मतलब यही है, लेकिन उसका ज्यादा रेंज है। नहीं समझे मेरी बात? अगर कोई पूछता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो क्या बताओगे? गैल्वेनोमीटर हैज वेरी लेस लो रेंज, है ना, इट इज अ लो रेंज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इट इज इफ द रेंज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज इंक्रीज्ड, इट बिकम्स अ वोल्ट मीटर एंड अ मीटर। नहीं समझे? यस कैसे सर, करना है? अब मान लो मेरे पास ये कोई बल्ब लगा हुआ है, कहीं बल्ब ऐसा लगा हुआ है, इस बल्ब का वोल्टेज यहां पर मान लो वी नॉट वोल्ट है, ये वी वोल्ट है, इसके अक्रॉस मुझे मेजर करना है, तो इसमें करंट फ्लो कर रही होगी ना यहाँ भाई, इसमें करंट आ रही होगी तभी तो जल रहा होगा, बिना करंट के तो क्या मेजर करना है? जैसे लाइट ही नहीं है तो कोई, तब तो इलेक्ट्रिशियन बुलाने कोई फायदा नहीं है ना। इसमें मान लो करंट आ ही यस जा रही है, अगर मैं गैल्वेनोमीटर सीधा ऐसे लगा दूं, मान लो इसके इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस मुझे मेजर करना है, तो यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दो मान लो, तो ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अभी मैक्सिमम कितना बताएगा? ये आईजीजी बताएगा ना, यस सर, यस और सर, हमें तो वी मेजर करना था। तो इसमें जो करंट आ रही है, इसमें आई करंट आ रही है, ये इधर कितनी करंट जानी चाहिए आई मैक्सिमम? माइनस आई जी, मतलब इधर आईडी जानी, इससे ज्यादा तो नहीं जानी चाहिए ना। यस सर, तो इससे ज्यादा अगर हमें करंट नहीं जाना है, भेजना है उधर, ये मान लो हमारा गैल्वेनोमीटर है, तो अब हम चाहते हैं कि इधर करंट कम जाए, इधर करंट कम जाए, इधर करंट ज्यादा जाए, तो हमें यहां पर इसमें करंट कम जाना है, तो यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा या कम करना होगा इस ब्रांच का? कम करना होगा। नहीं भाई, हाँ मैं यहां बढ़ाना पर होगा, करंट यहाँ कम बढ़ाना जाए, होगा, ज्यादा बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। करंट इधर जाए, यस सर, कम बढ़ाना करंट होगा। जाए, तो कम करंट जाने के लिए इस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए ना हमें, तो यस सर, ज्यादा के लिए हमें सीरीज में लगाना चाहिए ना कोई चीज, यस सर, तो अगर इसके सीरीज में हम हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा दें, मान लो आर मैंने लगा दिया हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, तो पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस बढ़ गया ना,
यस सर, और ये मैंने नाप तोल कर कैलकुलेट करके लगाया है ताकि इसमें अगर आई आए तो यहाँ आई डी जाए और बाकी बची हुई करंट इधर आए। नहीं समझे? अभी हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, बस इसको डिब्बे में बंद कर दो, फिर से ये बन गया वोल्ट मीटर। अगर तुमसे कोई कहता है कि हाउ डू वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर, तो क्या कहोगे? बाई कनेक्टिंग अ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। अब ये आर कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बताओ बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? जी प्लस आर। तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस IG×G+R। आई जी इंटू आर प्लस जी है ना, यस सर। और ये वाला पॉइंट यहां रख दो, ये वाला पॉइंट यहां रख दो, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी, यस सर, तो दिया है ना वी, यस सर, भी जितने वोल्टेज को हमें मेजर करना है, जितने तक के वोल्टेज को मेजर करना है, बस आर आ गया। तो आर प्लस जी इज इक्वल टू वी बाई आई जी, यस सर, तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस जी हो गया। भाई ये तो लिखा है डिब्बे पर, ये भी लिखा है डिब्बे पर, ये मैंने पूछा जो जो ये बनवाने आया है मुझसे, मैं उससे पूछूंगा भाई कितने वोल्टेज तक का तुम्हें वोल्ट मीटर चाहिए, तो मुझे बताएगा भाई मुझे 200 वोल्ट तक मेजर करना है, मेरे घर में मैक्सिमम 200 वोल्ट आता है, 400 वोल्ट आता है, तो मैं यहाँ रख दूंगा। आई जी जी और जी डिब्बे पर लिखा हुआ है, वहां से आर निकालूंगा। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। वो यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, बस ये डिब्बा बंद कर दूंगा, कह दूंगा ले जाओ पैसा लाओ। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। समझ गया। तो बहुत आसान काम है। अब ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उस क्वेश्चन में, अब अगर हमें देखो सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या गिवन है अपने पास? कैपिटल जी कितना गिवन है बताओ, स्लोप कैपिटल जी कितना गिवन है? 30 ओम। 30 ओम। मिहिर बताओ आई जी कितना गिवन है? आई जी मिहिर नहीं है क्या? समर बताओ आई जी कितना गिवन है? 2 मिली एम्पियर। क्वेश्चन देखकर बताओ कि हमें कितने तक का वोल्टमीटर बनाना है? 0.2। 0.2, तो V इज इक्वल टू 0.2। बस R निकालना है कि नहीं? नहीं निकाल पाओगे, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। V बाई आई जी, तो 0.2 बाई 2 × 10 की पावर -3 -G 30, तो ये कितना आ गया? 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 200, तो 100 - 70 आएगा क्या? ये चेक करो जरा, ठीक है 70 कम आ रहा है थोड़ा। देखो देख रहे हैं। ये अरे ये सर सही आ रहा है, कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन तो सही आ रहा है। सही है ना? सही तो अगर हम एक 70 ओम का रेजिस्टेंस, 70 ओम का रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर है उसके सीरीज में लगा दें, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या बन जाएगा? अरे ये डिब्बा यहां से बंद करना है, गड़बड़ है थोड़ा, ये डिब्बा तो ये थोड़े बंद करना है, ये तो मेजरमेंट करने वाला है, ये डिब्बा यही ऊपर 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 गैल्वेनोमीटर को चेंज किया है ना, तो बस इतना ही है, ये उसको करेक्ट कर लो, इतना ही है ना, ये हो गया। ये यहाँ दो तार निकले होंगे ऐसे, अब जहां तुम्हें जिस सर्किट में लगाना हो जिसके घर में, एक तार यहां लगा देना और दो टच कराओगे तार के बीच में, बस रीडिंग आ जाएगी। बोलो बच्चों। जी सर। तो 70 ओम रेजिस्टेंस इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, 70 ओम रेजिस्टेंस इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0.2 वोल्ट। अब 0.2 वोल्ट तक का हमने बना दिया,
दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन रुड़की एंट्रेंस एग्जाम. रुड़की हैज बिकम नाउ आईआईटी. अब उसको आईआईटी में मर्ज कर दिया गया है. दिस इज रुड़की इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड मोस्ट ओल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग इन इंडिया सेटअप बाय ब्रिटिशर्स. तो बहुत अच्छा ये माना जाता है. ये सबने लिख लिया तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके नोट कर लेते. यस सर, लिख लिया. अ हाई वैल्यू is connected to convert it into a voltmeter. शाश्वत है कि नहीं है? What is resistance of voltmeter? बताओ, डिब्बे में जो बंद है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R plus G sir. R plus G. अब भाई R plus G होगा ना, तो G की वैल्यू वैसे ज्यादा है तो उससे ज्यादा ये होना चाहिए, तो काफी ज्यादा हो गया. तो RV की वैल्यू अब ज्यादा हो गई वोल्टमीटर की. आइडियल वोल्टमीटर लिखा है तो बताओ आइडियल वोल्टमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? सर इन्फिनिटी. इन्फिनिटी होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए. लॉजिक समझो, लॉजिक. सारे बच्चे सुन रहे हैं? यस सर. लॉजिक ये है कि अगर इस ब्रांच में हमें जिस ब्रांच के अक्रॉस दो पॉइंट्स के अक्रॉस मुझे वोल्टेज मेजर करना है, अगर मैं एक ऐसा लूप कनेक्ट करूंगा तो इसमें जो करंट जा रही थी जिस कारण से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, अगर वो इधर चला गया तो वो कारण ही अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया, ये समझे मेरी बात भाई? इस करंट के आने से ही तो यहाँ वोल्टेज था. जब मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया तो ये करंट इधर चली जाएगी, तो जिसको हम मेजर करने जा रहे थे वही डिस्टर्ब हो गया. अरे यस सर. यस सर. तो हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो बहुत कम करंट ले और मेजरमेंट कर दे. यहाँ बहुत कम करंट जाए तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो ना? यस सर. तो अगर इस ब्रांच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो ये बहुत कम करंट लेकर टेस्टिंग कर देगा. अरे मेरी बात नहीं समझे? समझ गए सर. जैसे मान लो कोई पेशेंट एनीमिक है, एनीमिया है उसको, किसी पेशेंट को. शाश्वत बेटा कैसे तुम ऑन ऑफ मोड में रहते हो? मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी पेशेंट को एनीमिया है, मतलब ब्लड की कमी है, और वो मेजर कराने गया कि बताओ ब्लड कितना है, मान लो, तो ब्लड वो सिरिंज से निकाल लेंगे ना, मान लो. नहीं समझे मेरी बात? यस सर. तो टेस्टिंग करेंगे, मान लो कुछ उसमें चेक कराना है उसको कि एनीमिक है तो भाई क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. तो एक तो वैसे एनीमिक है और वो उसको टेस्ट कराने गया तो उसमें से निकाल भी लिया ब्लड. तो हमारा जो टेस्टिंग किट होना चाहिए वो अच्छा तभी माना जाएगा जब वो बहुत कम ब्लड लेकर के और सारी चीजों की टेस्टिंग कर ले. नहीं समझे? यस सर. इसीलिए इसका इनफाइनाइट होना चाहिए. This is all about this chapter and the instrument, the electrical instrument. अपना जो ये chapter है ये लगभग theoretically complete है. बाकी इसके questions बहुत बेहतरीन हैं. जो बच्चे IIT और NEET और इसको मेरी बात ध्यान से सुन लें कि जो बच्चे अभी ये focus कर रहे हैं competitive exam, भाई सबको करना ही है धीरे धीरे करके. तो उसमें क्या है कि जो NEET के बच्चे हैं उनको exercise 1 ही करना है बस. अगर एक्सरसाइज 1 के दोनों पार्ट्स को कम्प्लीटली कर लेते हैं
तो गारंटी है कि उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो जेई एडवांस्ड के बच्चे हैं, इवन जेई मेन तक के बच्चों को एक्सरसाइज वन से काम चल जाएगा, उनके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन जो एडवांस्ड को टारगेट करेंगे उनके लिए पूरा मॉड्यूल करना होगा। पूरा मॉड्यूल अगर कर लेगा तो यही यही वो मॉड्यूल है जो कोटा में रेजोनेंस में हर जगह कराया जाता है। ये दिस इज द कलेक्शन ऑफ गुड क्वेश्चंस, वो इधर उधर करके कराए जाते हैं, कभी इस यहाँ हार जाएगा, हार जाए इधर जाएगा, मैंने कई बार बताया भी। तो ये क्वेश्चन जो कर लेगा गारंटी है कि उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कॉम्पिटिशन में। लेकिन आप तुम्हें मैनेज करना है कि इतने क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। मैं हेल्प कर सकता हूँ कोई डाउट आने पर। ये बात समझ गए सारे बच्चे? समझ गए सर। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस चैप्टर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास व्हिच इज मैग्नेटिज्म आई थिंक, इजंट इट? यस सर। यस सर। सो मैग्नेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत लॉजिकल है और बहुत मतलब इजियर मैं कहूंगा। और सुबह वाली क्लास में मैं ऑप्टिक्स वैसे कर रहा हूँ, तुम लोगों में ऑप्टिक्स तो चलेगा ही। आई हैव गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दोज क्लासेस विच आर एक्सक्लूसिवली फॉर ITJEE मेन एंड एडवांस एंड नीट स्टूडेंट्स। तो वो अभी बहुत कम बच्चे कर रहे हैं क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है। कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, जब भी टाइम मिले तो उसको करोगे तो कुछ बेनिफिट मिल जाया करेगा सर। तो वीडियो दे दीजिएगा तो वीडियो सर, वो मैं पोस्ट कर दूंगा। अभी क्या होगा कि 6-7 तारीख तक तो अभी जेई मेन का एग्जाम चल रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगी क्लासेस, लेकिन जैसे ये मेन क्लासेस ओवर होगा वैसे हम उसको और भी प्रॉपर करेंगे। उसमें सारे क्वेश्चंस हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं मॉड्यूल में। अभी तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है स्कूल का भी और कई जगह का, तो ये नोट कर लिया सबने? देखो हो गया। यस सर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, नाउ यू कैन लीव। We will meet. अभी मैं questions आपको देता हूँ in the next class. Thank you, sir. Saswat is the first student to leave.